हेलो गाइस, आज एक बार फिर से आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। इतने दिनों तक मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए वीडियो नहीं आ पाया। तो आज हम सब दोस्तों के साथ जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो देखते हैं, मैं पहली बार जा रहा हूँ उधर पे, सब लोग पहली बार ही जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या है। तो एक्सप्लोर करेंगे आज, चलो देखते हैं। आज तो पूरा दिन सुहाना लग रहा है, पूरा धूप निकला हुआ है, पर लगता है गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी। और इधर पर हम लोगों को मिल गई है ऑटो, और इधर से ऑटो पे करेंगे और जाएंगे आगे। वैसे हमारे कॉलेज से ज़्यादा दूर तो नहीं है, पर जो भाड़ा है मेरे को थोड़ा ज़्यादा लगा। पर ठीक है, कोई ना, पहली बार जा रहे हैं, थोड़ा एक्साइटमेंट भी है। देखते हैं क्या क्या है उधर। और यहाँ फाइनली हम देखते देखते पहुँच गए हमारे डेस्टिनेशन पर। बाहर से नज़ारा तो काफ़ी अच्छा है, चलो देखते हैं अंदर क्या है। तो हम जा रहे हैं अभी टिकट काटने के बाद अंदर दिखाएंगे क्या हुआ। अभी यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सप्लोरिंग, तो अंदर से दिखाएंगे आप लोगों को क्या क्या है अंदर, क्योंकि ये चिल्ड्रन का पार्क है तो चारों तरफ हमको दिख रही है बच्चे खेलते हुए। ये जो जगह है ये स्प्रिंग वाले सीजन पे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये वाला सारे फूलों से भरा हुआ रहता है। तो अभी हम है चिल्ड्रंस पार्क पे, तो अभी यहाँ से जाएंगे अंदर, देखते हैं क्या क्या है। इस जंगल में आ गए भाई। तो हम सब जा रहे हैं इधर से जंगल के अंदर, उधर देखेंगे क्या क्या है। अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी तो बहुत गर्मी है ना, तो अंदर थोड़ा ठंडा ठंडा फील हो रहा है। तो हम लोग भी यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखो भाई लोग आए हैं, विनम्र गंजी में आ गए। देखो भाई कुछ फॉर्मल पहन के आए, पहली बार बाहर निकल रहे हैं। और तो ये हम लोग जा रहे हैं अंदर, नजारा चलो, चलो इधर से ही है, रास्ता बहुत लंबा है। इधर से नहीं, इधर से ही है, चलो उधर से। ये एक पोर्शन है जहाँ पर सिर्फ पार्क है चिल्ड्रन के। तो ये था चिल्ड्रंस पार्क, यहाँ हम थोड़ा फोटो खिंचाए। तो अभी और भी एक्सप्लोर करने के जगह है, क्या बोल? आप सभी लोगों को आदि पुरुष का जो बंदर था वो दिखना है, तो इधर हाँ हाँ दिखाता हूँ। आदि पुरुष का बंदर दिखाते हैं हम लोगों को। तो ये रहा आदि पुरुष का बंदर, यही से इंस्पायर होकर आदि पुरुष वालों ने वो क्या बन बनाया, आदि पुरुष वालों ने वो मॉडल बनाया। हम इस रूट से जाएंगे अभी अंदर, देखते हैं क्या क्या है। पे हमारा एक नया मेंबर जुड़ गया है, नीलोत्पल, जो कि पिछले व्लॉग में नहीं था, हमारा दो व्लॉग में, अभी इस व्लॉग में जुड़ गया है। तो नज़ारा तो देखिए कितना अच्छा है इधर। तो हम पहुंच गए एक जगह पे, इधर दिखाते हैं। तो अभी तक हम घूम लिए इस जगह पे, वो रेस्टिंग प्लेस है, बहुत अच्छा है। अगर गर्मी लग रही है तो तुम यहाँ पे बैठ सकते हो। और अभी हम जाएंगे इधर, इधर से एक बहुत उधर खास प्लेस है, तो उधर जाते हैं और दिखाते हैं। तो और एक चीज़ देखने को मिली है इधर, जो मुझे बहुत ही खास लगी है, कि यहाँ पे जो जो पेड़ है उसके अंदर इसका बोटानिकल नेम, इसका आसामीज नेम और जो लोकल नेम है कार्बी नेम, तो वो सब दिया हुआ है। तो मैं कुछ दिखाता हूँ क्लिप आप लोगों को। ओके, तो यहाँ आते आते हम लोग को एक पेड़ मिल गया है जो कि दूध देती है, दिखाता हूँ। ये जो पेड़ है ना, इसको बोलते हैं मिल्क। एक्चुअली ऐसा नहीं है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मिल्क ट्री, असमीस में बोलते हैं इसको शैलोंगस। मेरे को पहली बार दिख रहा है, इसका पता नहीं कुछ इसके बारे में, क्या मतलब क्या है इसका, पर जो इंग्लिश का टर्म है ना बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा है। तो और भी कुछ चीजें दिखाता हूँ। बाकी दो मेंबर्स कहाँ गए, तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर, इधर से देखते हैं उधर क्या मिलता है। और यह एक्चुअली बोटानिकल पार्क है ना, तो इधर बहुत सारे मतलब डिफरेंट मतलब तरह की पेड़ मिलते हैं, और जो मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो कोई अगर मतलब पेड़ के बारे में जानना चाहते हैं तो इधर आ सकते हैं, बहुत टाइप के पेड़ है यहाँ। और अच्छी बात यह है कि उस पेड़ के बारे में लिखा हुआ है वो स्टेम पे। इतना गर्मी है अभी, ओ माय गॉड। तो अभी हमारा हो गया इधर, बड़ा फोटो मोटो खिंचाया,
पता नहीं ये दोनों कहाँ चला, तो आने के बाद एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, ये दोनों जो है ना एक साथ ही घूम रहा है। कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं क्या? इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो क्या तुम लोग? एक साथ ही घूम रहे हैं, देखो कोई अभी जस्ट कपड़ा पहना है, अभी कपड़ा पहना है। देखिए इसका वस्त्र हरण हुआ, देखो अभी भी खुला हुआ, देखो। तो अभी हम चलेंगे बोटिंग करने, तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो ठीक है, अभी हम आ गए इधर बोटिंग करने, पर एक सीरियस प्रॉब्लम आ गया। क्या हुआ है? मतलब ये जो बोट है ये थोड़ा गंदा होकर रखा था, तो फिर भी हम बोले भैया को कि थोड़ा डेमो दिखा दीजिए। तो अभी भैया दिखाएंगे कैसे चलाते हैं इसको। तो हम अभी आ गए पूरा जंगल के अंदर, और ये है एक ब्रिज। किस चीज़ का ब्रिज है पता नहीं, पर अच्छा लग रहा है इधर फोटो खिंचाने के, तो बहुत मस्त जगह है। और ये है बाकी सीनरी जो आप बैक साइड में देख पा रहे हैं, बहुत सही जगह है। तो आज के लिए इतना ही था हमारा सफ़र, और अभी यहाँ से हम निकलेंगे, उसके बाद जाएंगे दूसरी जगह, मे बी रेस्टोरेंट जाएंगे, वहाँ पे खा के जाएंगे डायरेक्ट हॉस्टल। तो अभी हम पूछेंगे विनोदो से कि आज का सफ़र कैसा लगा उसको, तो चलो। बहुत ही अच्छा लगा आज, मैं तो इधर दूसरी बार आया हूँ, तो पहली बार से काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही लगा तुम लोगों के साथ। नज़ारे कैसे लगे? नज़ारे बहुत बढ़िया है, लेकिन स्प्रिंग सीजन में आते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि तब एक पेड़ है उधर फूल वगैरह रहते तो ज़्यादा अच्छा आता फोटो वगैरह। और कलर्स अच्छे लगे होंगे, बेहतरीन कुछ एनिमल्स के फ़ोटो जो विमान चढ़ते हुए पाए गए, तो और बहुत सारे मैसेजेस भी है जैसे कि हमें एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, तो वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ज़्यादातर जगहों पर ऐसे मैसेजेस दिए गए हैं। अच्छा, आखिरी ये बात हो गई कि अब जो घूम लिया बातें भी हो गई, तो अब देखने वालों के लिए कोई मैसेज, कोई ऐसी बात बोलना चाहते हैं कि चलो दोबारा आएँ तो कुछ तुमसे भी सुन लें? हाँ, तो देखने वालों के लिए मैं एक स्पेशल मैसेज यहाँ पर देना चाहूँगा कि अब जब भी इधर आए तो अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर लाइए, क्योंकि इधर बहुत गर्मी है, उमस भी है। और बहुत बड़ी चीज़ ये है कि इधर खाने का कुछ मिलता नहीं है, वैसे तो साथ में खाने का चीज़ भी लेके आ सकते हैं अगर आप ज़्यादा वक्त इधर बिताना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि इधर कचरा ना फेंके, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है इधर, तो वो चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, अदरवाइज़ बहुत ही एंजॉयबल एक्सपीरियंस होगा आप सबके लिए। चलो विनोद, अच्छा लगा तुमसे बात करके, थैंक यू।